मध्य प्रदेश के खरगोन में कावेरी नदी के किनारे एक ऐसा स्थान है जहां 16 श्राद्ध पर गया जी की भांति होता है पितरों का तर्पण। स्वयं भू प्रकट हुई गया शिला पर करते हैं तर्पण। पांडव कालीन जीर्ण शीर्ण मंदिर में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहां किया था पूर्वजों का तर्पण। स्कंद पुराण में इस स्थान का उल्लेख है। प्राचीन कथा व स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मार्कंडेय ऋषि ने इसी स्थान पर चतुर्मास किया था। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वेश में करवाया था तर्पण। जिला मुख्यालय से 98 किलोमीटर दूर बड़वाहा तहसील के सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ सिद्धवर कूट के समीप कावेरी नदी के तट पर पहाड़ों के बीच स्थित है। कावेरी नदी के तट पर शंभू प्रकट हुई गय शिला पर 16 श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने से गया जी की भांति फल मिलता है। इसी के चलते दूर दूर से श्रद्धालुगण तर्पण के लिए पहुंचते हैं। प्रकृति की सुंदर वादियों के बीच पहाड़ पर स्थित पांडवकालीन जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर सहित खंडर में तब्दील खंडित अनेक मूर्तियों के साथ स्वयंभू प्रकट हुई गय शिला मौजूद है। पंडित जी यह भी बताते हैं कि गया जी में जो श्रापित नदी फाल्गु है जो विलुप्त है, उसी प्रकार यहाँ पर भी एरण्य नदी है जो विलुप्त होकर कावेरी में मिल रही है। बताया जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ रहकर अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। 16 श्राद्ध में इस स्थान पर विद्वान पंडितों द्वारा 16 दिन से टेंट लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देव स्थापित करते हुए नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, महाल्य श्राद्ध एवं तर्पण कर्म के साथ ब्राह्मण भोज का कर्म कराया जाता है। गंगा जल मया देते तस्मै सुदाय नमः। इदं गंगा जल मया देते तस्मै सुदाय नमः। सासु जी भी शांत हो गए। आप रुक जा, आज हम को तर्पण। इदं तिलोदलक मया देते तस्मै सुदाय नमः। इदं गंगा जल मया देते तस्मै सुदाय नमः। इदं गंगा जल मया देते तस्मै सुदाय नमः। पद्रया वहो रात्रे पारस्वै नक्षत्राणि रूपवसिनो व्याप्तं मा स्तन्दे विष्णु वैवरणं सर्वलोकैकनाथनम्। आपको बता दें कि पंडित धर्मेंद्र पाठक का कहना है कि गया शिला मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित की गई है। उनके पूर्वजों का गया जी जाकर तर्पण करना था, तब उन्होंने कावेरी का नर्मदा नदी के बीच में यहां चतुर्मास किया। चतुर्मास करने के दौरान भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर मार्कंडेय ऋषि के पितरों का पिंड दान कराया, तब यहाँ आधारशिला अवतरित हुई। मार्कंडेय ऋषि द्वारा यहाँ पिंड दान करने से उन्हें गया जी का फल प्राप्त हुआ। इसीलिए जो भी यहाँ तर्पण करता है उन्हें गया जी की भांति फल प्राप्त होता है। ये गया शिला मार्कंडेय ऋषि के द्वारा स्थापित है। जो मार्कंडेय ऋषि जी जीवन पर्यंत नर्मदा जी की परिक्रमा में रहते थे, उन्हें उनके पूर्वजों के निमित्त जब गया जी जाकर पिंड करना था तो उन्होंने यही नर्मदा और कावेरी जी के तट पर जब चतुर्मास किया तो चतुर्मास में उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी, जिससे भगवान विष्णु अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पिंडदान करवाए और ये गया शिला अवतरित हुई जी। और मार्कंडेय ऋषि के द्वारा यहाँ पिंड करने से उनके पूर्वज गया जी को प्राप्त हुए। जब से यह प्रथा चली आई है कि जो भी यहाँ पिंडदान करेगा उसे गया जी जाने की आवश्यकता नहीं होगी और गया का श्राद्ध ही फिर प्राप्त हो। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये पांडवकालीन मंदिर है। जब पांडव लोग अपने क्षेत्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने 12 वर्ष के अज्ञातवास में एक वर्ष अपने ओंकारेश्वर क्षेत्र में काटा था। उसी समय में यहाँ पर ये मंदिर निर्माण हुए हैं जो पांडवकालीन है। कई मूर्तियाँ यहाँ पर विक्षिप्त रूप से है जो दर्शाती है कि ये पांडव काल से है मूर्तियाँ रखी गई है। और पांडवों ने भी अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ पिंडदान किए थे जो गया को प्राप्त हुआ। ये नदी जो गया जी में फाल्गु नदी है उसी प्रकार ये नदी भी है। जैसे गया जी में फाल्गु के नाम से प्रचलित है, यहाँ पर ये नदी एरण्य नदी के नाम से प्रचलित है। जिस प्रकार वो नदी श्रापित है, यहाँ भी नदी अवतरित है। यहाँ पर ये नदी अंदर ही अंदर भूमिगत चलती है। आगे जाके आप देखेंगे कि नदी पूर्ण रूप से बह रही है और आके कावेरी में मिली है, पर गया शिला के स्थान पर ये नदी विलुप्त है। पंडित धर्मेंद्र पाठक, मैं मोटक्का खेड़ी घाट से हूँ। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।